नमस्कार। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ वापस आ रही हूँ कंक्लूजन ऑफ प्रिविलेज आइसोथर्म। तो आप लोगों ने प्रिविलेज एडसॉर्प्शन आइसोथर्म का स्टडी कर लिया है। तो व्हेन आई फर्दर मूव विद प्रिविलेज एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, तो यू ऑल नो दैट इट इज x / n = kp raised to 1 / n। यहाँ पे अगर लॉगरिथम लगाते हैं तो log x / n = log k + 1 / n log p। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसका कंक्लूजन हमें क्या मिल रहा है कि यहाँ पे अगर 1 बाय एन को जीरो लिया पूरे टर्म को, तो पी रेस टू जीरो इज क्या हो जाएगा आपका, मतलब पी रेस टू जीरो मिल गई और 1 बाय एन मतलब एन यहाँ पे जीरो है तो ये इंफिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब एक पूरी जो मुझे वैल्यू जो मिलेगी दैट इज एक्स बाय एन इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। सो एक्स बाय एन एक कॉन्स्टेंट वैल्यू मतलब कोई कॉन्स्टेंट है मेरे पास। तो ये क्या प्रूव कर रहा है कि एडसॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। इसे ये मालूम हो रहा है कि एडसॉर्प्शन जो है वो प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, ये प्रूव कर रहा है। देखिए क्योंकि एक्स बाय एन कुछ प्रेशर से रिलेटेड नहीं है, जब हमने 1 बाय एन इक्वल टू 0 लिया और जब हमने 1 बाय एन इक्वल टू 1 लिया, ये पूरी टर्मिनोलॉजी को 1 लिया, तो मुझे एक्स बाय एन इज इक्वल टू k into p मिलेगा। तो ये k into p क्या प्रूव कर रहा है कि x y में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, दैट इज एडसॉर्प्शन वेयर इज डायरेक्टली प्रेशर। तो ये तो जो है यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि एडसॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। तो क्या ऐसी चीज पॉसिबल है? ऐसे अगर देखने आप जाए तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ पता नहीं चला, मतलब एक बार बोल रहे हैं दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड एट द सेम टाइम इट इज दे आर सेइंग मतलब प्रिविलेज इज सेइंग दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो यस इट इज, दैट इज द इंपॉर्टेंट कांसेप्ट दैट प्रिविलेज एडसॉर्प्शन आइसोथर्म इज सेइंग दैट अप टू सम एक्सटेंट। देखिए एक्स बाय एम एडसॉर्प्शन किससे डिपेंडेंट है, देखिए प्रेशर, प्रेशर जैसे जैसे प्रेशर बदल रहा है एडसॉर्प्शन भी हमारा यहाँ पे बदल रहा है। और इसके बाद जो हमने देखा यहाँ पे कुछ बोला ही नहीं गया, मतलब एट लो प्रेशर x by n इज प्रोपोर्शनल टू p एंड एट हाई प्रेशर वो एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी प्रिविलेज एडसॉर्प्शन आइसोथर्म से प्रूव हो रही है एंड प्रिविलेज एडसॉर्प्शन आइसोथर्म बिकेम अ रिमार्केबल डिस्कवरी फॉर द सरफेस केमिस्ट्री। इसके साथ एक और दूसरे साइंटिस्ट है जिनका नाम है लैंगमूर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, बट इट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस। तो आपको ये वाले साइंटिस्ट की जो पूरी थ्योरी है वो आपको अच्छे से लर्न करनी है, और इसके साथ में यहाँ पे प्रिविलेज एडसॉर्प्शन आइसोथर्म का एंड कर रही हूँ। सो स्टे सेफ, stay happy and stay tuned with me and learn chemistry. Thank you.